हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। मेरा नाम है सचिन सोलंके। डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल के ऊपर आपको ग्रेड 5th से 10th तक वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज कोर्स के बारे में। क्लास 10 सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और टेस्ट फर्स्ट हम देखने वाले हैं। इस टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ ही उसके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वंडरफुल सेशन को। सो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सॉल्व द एनी फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी थ्री मतलब आपको कोई भी थ्री क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं, और टू मार्क्स ईच मतलब हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर दो मार्क दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी मॉर्निंग सुराली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ द सेमी सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ आर मीटर एज शोन इन द फिगर, इफ शी स्टार्ट फ्रॉम द ए पॉइंट एंड एंड्स एट अ पॉइंट बी, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस शी वॉक एंड हर डिस्प्लेसमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी होगी कि ये डिस्टेंस क्या होता है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोनों चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो आप इजिली क्या कर सकते हो, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन देखो बेटा क्या हुआ, सोराली ने स्टार्ट किया ए से, ओके सोराली ए से स्टार्ट किया और वो बी तक पहुंच गई कुछ इस तरीके से। तो सोराली ने जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस, ओके। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए और जो एंड पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसी का रेशियो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, ये है सेमी सर्कुलर शेप, तो इसका मतलब क्या है यार, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। देखो अगर ये पूरा सर्कल होता तो क्या होता, जो डिस्टेंस होता वो किसके बराबर होता, तो वो सर्कमफेरेंस के बराबर होता। लेकिन ये हाफ ही सर्कल है, ठीक है, इसका डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा बेटा यहाँ पर देखो, अगर सर्कमफेरेंस होता तो हम 2πr लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें आधा ही सर्कल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इस तरीके से सोराली ने, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा पाई आर हो गया। क्या हो गया, पाई आर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, देखो ये इसका सेंटर है, मतलब यहाँ से रेडियस और ये यहाँ से रेडियस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, तो 2r, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस भी हमें मिल गया पाई आर और डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया हमें 2r, तो बस दोनों का रेशियो करो। रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो पाई आर अपॉन 2r, तो यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, r r गेट कैंसिल, तो क्या बचा पाई अपॉन 2, तो ये बन गया बच्चों हमारा रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बिल्कुल इजी है बेटा, मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि उसे एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। तो इसीलिए बच्चों आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये समझ में आ गया, इसे आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू द साइंटिफिक रीजन वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर। अब देखो बेटा, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है बच्चों कि कैपेसिटी ऑफ द एटम टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, ओके। मतलब कोई भी एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लॉस करता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी होती है हमेशा होल नंबर होती है, ठीक है। अब होल नंबर क्यों होती है, देखो बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गिवन वे और टेकन अप इज ऑलवेज होल नंबर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हम लूज करते हैं फिर गेन करते हैं ये हमेशा होल नंबर में ही करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं करते, ठीक है। कभी आपने सुना है कि यार, अगर आपने देखा होगा ग्रेड 8 में, तो ये कभी आपने 1.2, 1.3 ऐसा कभी लॉस किया कि इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यार इलेक्ट्रॉन होते होल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो होल नंबर होता है, सो देयरफॉर वैलेंसी ऑलवेज अ होल नंबर, तो इसलिए वैलेंसी भी क्या होगी बेटा, वहां पर होल नंबर होगी। देन क्लासिफाइड द फॉलोइंग एसिड इनटू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पर देखो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में दिया हुआ है, ठीक है, HNNO3 एंड HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक एसिड की बात करें तो H2CO3 एंड CH3COOH, ये बेटा हमारा वीक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ द मिरर आर केप्ट पैरेलल टू द ईच अदर हाउ मेनी इमेजेस विल फाउंड इन द मिरर। देखो बेटा, आपको पता होगा बच्चों कि एक फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है, ये फार्मूला याद रखो, n इक्वल टू
360 अपॉन ए माइनस वन। तो इस फार्मूले के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हो कि दो मिरर के बीच में कितनी इमेजेस बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर दो मिरर है और दोनों मिरर के कुछ कुछ एंगल है, ठीक है, 90 का हो, 60 का, जो भी होगा, तो उस एंगल के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितने वहां पर क्या होंगे इमेजेस फॉर्म होंगे। तो उसका फार्मूला ये बेटा, n इक्वल टू 360 अपॉन ए माइनस वन। ये जो n होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ इमेजेस, और ये जो a होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ मिरर, दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ मिरर, मतलब मिरर के बीच में कितना एंगल है वो। अब देखो बच्चों, अगर दो मिरर को अगर हम इस तरीके से पैरेलल रखेंगे, ओके, जब इस दो मिरर को जब हम पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, जब इस दो मिरर को हम पैरेलल रखेंगे तो बच्चों वहां पर हमें अनलिमिटेड इमेजेस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? अनलिमिटेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्हेन द मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू द ईच अदर देन वी विल गेट द अनलिमिटेड इमेजेस, ओके, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है और यहाँ पर लिख देना है। तो ग्रेड 9 में बच्चों आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। चार्ट के अंदर क्या दिया बच्चों, देखो कार्बन है, कार्बन के दो फॉर्म दिए, क्रिस्टलाइन और यहाँ पर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, दो फॉर्म, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो देखो बेटा, एक टाइप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ डायमंड, जो डायमंड होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, देन ग्राफाइट और देन फ्लोरेंस, ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। उसके बाद अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको कोल दिखाई देगा, चारकोल एंड कोक, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देन बच्चों देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नीचे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू, मतलब कोई भी दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तीन मार्क का एक क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर एंड लेबल द नंबर पार्ट। अब देखो बेटा, ये डायग्राम किसकी आपको पहचानना है, तो बच्चों अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ ये डायग्राम है रिवर्बरेशन की, किसकी है, रिवर्बरेशन की, आपने साउंड में देखा होगा ग्रेड 9 में, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर जो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना साउंड का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पर लिखना है आपको ओके, यहाँ पर आपको लिखना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देन सेकंड क्या बेटा, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, साउंड निकल रही है, मतलब यहाँ पर आप सोर्स ऑफ साउंड भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर स्पीकर भी कह सकते हो, या फिर सिंगर भी कह सकते हो, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड ये चलेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको सोर्स ऑफ साउंड ये वाला, ओके। देन देखो बेटा थर्ड नंबर का क्या है, देखो जो साउंड है वो डायरेक्ट जा रही है, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड से लिसनर तक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये डायरेक्ट साउंड है। अब यहाँ पर कौन है बेटा, फोर्थ नंबर पर, तो यहाँ पर लिसनर है जो इस साउंड को सुन रहा है, लिसनर, ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। देन बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What will happen if the electric current is flown in the circuit in the given experiment, which material is present in the pencil and which property of the material is found in this experiment? अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये पेंसिल है, और पेंसिल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, पेंसिल के अंदर बच्चों हम लीड यूज करते हैं, ठीक है, लीड यूज करते हैं, तो लीड बच्चों इसके अंदर हमने यूज किया, मतलब जब करंट फ्लो होगा इस सर्किट से तो क्या होगा, जो लाइट होगा वो ग्लो अप करेगा, मतलब वो जलने लगेगा, ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि हमने पेंसिल के अंदर बच्चों अपने क्या है यहाँ पर देखो लीड यूज किया है, ठीक है, और लीड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट होगी तो यहाँ पर सर्किट बनेगा, और सर्किट बनेगा तो यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो ये पूरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देन बच्चों यहाँ पर दिया है, व्हाट इज मीन बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव द एग्जांपल ऑफ द साल्ट विद द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड देयर यूजेस, मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और देन आपको उसके एग्जांपल देने हैं और उसके यूजेस भी आपको बताना है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फिक्स, मतलब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल वाटर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बेटा, एलम, बोरेक्स, ठीक है, एप्सम साल्ट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, तो सिंपल है बेटा, यूज देखो जो एलम होता है और एलम पेस्ट होता है, इसे हम मेडिसिन में यूज करते हैं, और जो पेपर इंडस्ट्री होती है वहां पर यूज करते हैं पेपर को शाइन करने के लिए। उसके बाद बेटा जो एलम होता है उसे हम यूज करते हैं ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, अगर आपको कहीं पर अगर खरोच लग गई, अगर आपको वाउंड है, ठीक है, तो वहां पर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी हम यहाँ पर एलम को यूज करते हैं।
देन द इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, जो वाटर प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, ये चीजें यहाँ पर यूज होती हैं। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत इजी है। ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एंड राइट देयर यूजेस। तो कंपोनेंट्स के आपको सिंबल यहाँ पर दिखाने हैं और इसके यूजेस आपको बोलने हैं। तो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ ऐसा होता है, आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है। ये सिंबल हो गया बेटा रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस का यूज क्या होता है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट का फ्लो अगर कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। देन बेटा ओल्ड मीटर, ओल्ड मीटर को जिस तरीके से यूज होता है आपने देखा होगा। ठीक है, अब ओल्ड मीटर का यूज क्या होता है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं लिख देता हूं, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। देन इलेक्ट्रिक बल्ब सिंपल है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसे होता है, ठीक है। अभी ये पर एक्चुअली यार देखो कुछ ऐसा होता है यार, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। अब ये किस लिए होता है बच्चों, ये होता है बच्चों टू यूज क्या होता है सर, टू गेट द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को गेन करने के लिए, लाइट एनर्जी को यहाँ पर ऑब्टेन करने के लिए इसे हम बल्ब का यूज कर सकते हैं। चलो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाली चीजें। उसके बाद बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन अ इन विच of the following cases the work done by the force is positive work, negative work or zero work। to dekho beta positive work, negative work or zero work kya hota hai actually main aapko samjha deta hu। theek hai, ab dekho beta pushing a stalled vehicle, ek stalled vehicle hai, theek hai, is tarike se aise hum push kar rahe hain aur ye kya ho raha hai beta, is direction mein ja rahi hai, matlab hum this direction mein force laga rahe hain aur usi direction mein agar wo vehicle ja rahi hai, theek hai, samajh mein aa raha hai na ki jis direction mein hum force laga rahe hain, force ka direction beta ye hai और व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब यहाँ पर बेटा पॉजिटिव वर्क होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है पॉजिटिव वर्क, समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड देखो बेटा, ट्राइंग अ स्टोन टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड स्विंगिंग इट अराउंड एंड अराउंड बाय द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब क्या क्या, सिंपल है, हमने एक स्ट्रिंग को छोटा सा स्टोन बांध दिया और उसे इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, तो जब घुमाएंगे तो स्टोन क्या करेगा बेटा, सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा, मतलब इस तरीके से, और इस तरीके से आप फोर्स लगाओगे, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो स्टोन का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब क्या बेटा, कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, कि दोनों के बीच में, मतलब फोर्स ऑफ, मतलब जो फोर्स है और जो स्टोन का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में 90 का एंगल है, ठीक है। अब जब 90 का एंगल होता है, ठीक है, तो वहां पर बेटा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, जीरो वर्क होता है, ओके, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर दोनों के बीच में अगर 90 का एंगल होता है तो। कैचिंग अ बॉल थ्रोन बाय द फ्रेंड, देखो बेटा अब बॉल आ रही है तो बॉल में पकड़ूंगा, समझ में आ रहा है ना बच्चों, देखो मैं क्या करूंगा बच्चों, जब बॉल आएंगी तो बॉल को इस तरीके से पकड़ूंगा, मतलब क्या हो रहा है बच्चों, मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसा, बॉल आ रही है ऐसी, मतलब क्या होगा, बॉल का जो मोमेंटम है वो कम होगा, ठीक है, मतलब बॉल का जो स्पीड है वो कम होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पर जो बॉल का जो मोशन है कुछ ऐसा है और हम जो फोर्स लगा रहे हैं ऐसा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ बॉल ये दोनों चीजें एक दूसरे को अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री में है, ये कहलाएगा बेटा हमारा नेगेटिव वर्क। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा नेगेटिव वर्क। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। और बच्चों देखो यार, मैं सिंपली यार यहाँ पर चीजें लिख कर नहीं देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करके भी देता हूँ, तो इसीलिए बच्चों आपको हमारी ही वीडियो देखने हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार